राम राम साहब, मैं हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ग्रो से रिएक्शन में। तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुंशी पैटर्न के ऑफिशियल टीजर नंबर 1 और टीजर नंबर 2 पे। और ये मूवी डायरेक्ट की है प्रवीण सर ने और इसमें महेश मांजरेकर सर भी है और ओम भुटकर सर है। और वैसे हमें इसके काफी सारे सजेशन मिले थे, तो सबसे पहले हम ये टीजर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे असं एकटच इतक्या उंचीवर जाऊन खाली पाहिल्याशिवाय अमीबासारखी वाढलेली ही आकारहीन शहर आपल्याला दिसूच शकत नाही। पण अशी ही शहर नक्की जन्माला आली तरी कधीपासून, ज्या दिवशी खेड्याकडे चला हा महात्मा गांधींचा मंत्र खेडं सोडून चला असा घेतला गेला त्या दिवसापासून, तेव्हापासून ही शहर अशीच मोठी होत राहिली। पण ती छोटी छोटी खेडी ती कुठे गेली याचा आस्तागायत कोणालाच पत्ता नाही। डेव्हलपमेंटच्या कॅन्सरचे हे साईड इफेक्ट्स तेव्हा लक्षात नाही आले, आता मात्र जाणवू लागले। तुम्ही आमच्या जमिनी खाल्ल्या, आम्ही तुम्हाला खाणारच ना। चेहऱ्यावर मरणाची भीती दिसल ना त्या दिवशी आपला खेळ खाला। यमदेव जरी रेडवर बसून आला का नाही तरी आपण अशा थाटात उभं राहायचं की आपला अवतार बघून त्या रेड्याची पट्टी अशी टरकन अशी टरकन नाही। शेती ऐकायची नसती हो, शेती राखायची असते, नाही तर याची पोरं का नाही भीक मागतील, नाही तर होतील आमच्यासारखी गुन्हेगार। ज्या तालुक्यातनं माझ्या आई बापाला लाथा बुक्क्या घालून हाकलून दिलेलं ना त्याच तालुक्यात आज 100 एकर जमीन आहे माझी, 100 एकर। तरी तुझा बाप हमालीच करतो। सो गाइस ये था मुंशी पैटर्न के दोनों टीजर और टीजर काफी कमाल के हैं सच में। और जिस तरह का इसमें प्रवीण सर का भी लुक दिखाया ना वो भी काफी अलग है। ओम भुटकर की एक्टिंग मतलब इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं ना इसमें, प्रवीण तरडे, महेश मांजरेकर, तो काफी मतलब अच्छा लग रहा है ये टीजर। तो गाइस इस मूवी का रिमेक भी बना है अंतिम, जो मतलब सलमान खान की मूवी है, सलमान खान की मूवी है जो अभी कुछ टाइम पहले आई अंतिम। बाकी ये जिस तरह का टीजर दिखाया हुआ है ना सच में इसमें एक्टिंग तो आप ये सोच लो कि एक नंबर है ही। जिस तरह से इस मतलब स्टोरी को रियल रखने की कोशिश की गई है ना वो भी सच में आपको लगता है क्योंकि ये वहां की रियल स्टोरीज में से ही उठा के ली हुई है। मैंने हमने मतलब गूगल करके थोड़ा बहुत कुछ इस मूवी के बारे में सर्च किया था तो उसी के अकॉर्डिंग यही दिखा रहे हैं इसमें। और वैसे इसमें एक लाइन और दिखाई गई है कि ये सिर्फ एक तालुके की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। क्योंकि जहां पे भी अगर मेट्रो सिटीज है वहां आसपास किसान अपनी खेती की जमीन है वो बेच देते हैं और उनको एक टाइम तो पैसा मिल जाता है बट वो उस पैसे को संभाल नहीं पाते, उनको नहीं समझ आता कि इस पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाए और वो नशा करते हैं, फिर गलत रास्ते में और फिर उनके बच्चों के लिए वो क्या छोड़ते हैं, ना तो पैसा और ना जमीन। और फिर
ये इस तरह की जो केसेस है, जैसे इसमें भी दिखाया गया है लड़ाई टंटा, मतलब उसमें फिर बच्चे चले जाते हैं और इसी तरह से गैंग्स बनती है, वो मतलब एक रियल, बहुत ही ज्यादा रियल स्टोरी जो हर कोई फील कर सकता है। इस तरह की ये स्टोरी और जिस तरह का ये दिखाया है सच में टीजर कमाल का है। मतलब मराठी रीजनल सिनेमा जिसे बोल सकते हैं ना, वहां से अगर कोई मूवी बॉलीवुड अगर उसका कॉपी करता है तो आप सोच सकते हो कि आपके पास क्या कंटेंट है। और मराठी इंडस्ट्री के पास बहुत ज्यादा कंटेंट है, कंटेंट भी, और प्लस जो एक्टर है वहाँ के कमाल के अपडेटेड रहते हैं ना, आप जिसे बोल सकते हो एकदम पॉलिश्ड एक्टर है। मतलब वो एक्टिंग के टाइम पे अपने मतलब सिनेमा करते रहते हैं या फिर शोज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ थिएटर वगैरह करके, और मतलब और हर किरदार में जान डाल देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वही है, मतलब हाँ। किरदार को देख के ये फील नहीं होता कि ये कोई और किरदार कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि जिसका किरदार निभा रहे वही इनके अंदर आ गया, मतलब उस तरीके से एकदम अंदर घुस के काम करते हैं। सो मतलब ये ओवरऑल टीजर, हमें दोनों टीजर काफी पसंद आए। हाँ। और आपको ये टीजर कैसे लगे आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पर यूं ही बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।